ये देखो मटर नहीं डले बिना टमाटर की सब्जी बनी है, कितना बेहतरीन कलर आया है कल। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में अब की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारी किचन में बनने जा रहा है आलू परवल की सब्जी, जो कि हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे और ना टमाटर डालेंगे उसमें और परफेक्ट बनेगी और एकदम स्वादिष्ट बनेगी। एक हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने कहा है बिना टमाटर की आलू परवल की सब्जी बनाकर बताइए भाभी, हमें बनानी है। तो हम उनके कहने पर हम आलू परवल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। चलिए आ जाइए मेरी किचन में, आप लोग बनाते हैं आलू। सो फ्रेंड्स, ये हमने परवल लिए हैं, ये देखो कुछ लोग नहीं जानते हैं तो ये होता है परवल, ठीक है। और ये हमने परवल इसको लंबा लंबा हम काटेंगे कुछ हमने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले परवल के ये अगल बगल के पार्ट को काट लेंगे इस तरह से, और इनको चार टुकड़ों में काटना है। ये देखो लंबा लंबा हम काटेंगे। तो हमने ये परवल पूरा काट लिया है, कुछ हमारे ये रखे हैं परवल कटे हुए, और आलू को भी हम फ्रेंड्स लंबा लंबा ही काटेंगे इस तरह से। आलू को काटना है इस तरह से लंबा लंबा। फ्रेंड्स, हमारे आलू परवल लंबे लंबे हमने इस तरह से काट लिया है, ये देखिए। सब्सक्राइबर के कहने पर हम ये सब्जी बना रहे हैं और बिना टमाटर का बोला है इन्होंने, तो बिना टमाटर के ही बनाएंगे। ये दही लिया है हमने जो कि है आधा कप। ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हरा धनिया, और ये प्याज और लहसुन 8-10 कलियां लहसुन की, इनको हम पीस लेंगे दोनों को। ये किचन किंग मसाला लिया है, इसके जगह पे आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ये कश्मीरी मिर्चा गरम मसाला, ये करौंदा हो डाली फ्रेंड्स, अगर करौंदा ना हो दही भी ना हो तो आप सूखा आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। ये हमने दो हरी मिर्चा और अदरक को काट लिया है, ये कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आलू और परवल की सब्जी। डाल लिया है 2 कप। अब इसमें आलू को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं इस तरह से, अब हम निकाल लेंगे, हल्का लाइट ब्राउन ही रखेंगे। अब इसमें सब्जी में ज्यादा पकने में भी टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर ही हम परवल को भी इस तरह फ्राई कर लेंगे जिस तरह आलू को किया है। परवल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आलू में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है फ्राई होने में। परवल में फ्राई होने में फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट लगेंगे, और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे परवल को। ये हमारे परवल फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। प्याज हमने डाल लिया मिक्सी ग्राइंडर में, यहीं पे हम 8-10 कलियां लहसुन की डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और इसको हम फ्रेंड्स पीस लेंगे। हाफ कप ऑयल डाल लिया है सरसों का, इसी में बनाएंगे आलू परवल की सब्जी, इसमें अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जब तक तेल गरम हो रहा है, ये हमारा इधर प्याज भी पिस गया है, प्याज लहसुन। यहाँ हम 1 चम्मच हल्दी डाल लेंगे फ्रेंड्स, और 2 चम्मच धनिया, और थोड़ी सी मिर्चा, हमारे यहाँ मिर्चा थोड़ी कम खाई जाती है, आप जैसा खाते हो वैसा डाल लेना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे फ्रेंड्स नमक भी डाल देंगे 1 चम्मच, नमक आप स्वाद अनुसार डाला है अपने। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए, 2 तेज पत्ता ले लिए हैं, जीरा हींग, और ये डाल देते हैं इसमें। ये हरी मिर्चा और अदरक को भी डाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम डाल लेते हैं फ्रेंड्स प्याज और लहसुन पिसा हुआ, और इसको बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे और ब्राउन होने तक इसको भी पका लेंगे। प्याज को भी फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम रखा है हमने। तो फ्रेंड्स, हमारा प्याज ये भुन गया है, ये देखो ब्राउन होने तक भुन लिया है। अब डाल लेते हैं हमने जो दही में मसाला को तैयार किया था उसको भी डाल लेते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट लगेगा पकाने में, और मीडियम फ्लेम रखेंगे क्योंकि इसमें दही है और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो दही फट जाता है चलाओ ना तो।
और अब हम डाल लेते हैं किचन किंग मसाला 1 चम्मच और इसको भी हल्का पका लेंगे आधा मिनट। और थोड़ी सी हमने डाल दी है 1/2 स्पून कश्मीरी मिर्चा, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा, आप चाहो तो डालो नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहीं पे हमने गरम मसाले को भी डाल लिया है फ्रेंड्स, तो इसको चलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया आधा कप। और बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी ये आलू परवल की फ्रेंड्स। और इसको अब 1 मिनट और पकाना है और इस तरह बीच में चलाते रहेंगे। और अब हम डाल लेते हैं 5 से 6 करौंदा और इसको भी 1 मिनट लगभग पका लेंगे, इसकी भी खटाई थोड़ी आ जाए इसमें तो अच्छी सब्जी बनेगी। और ये देखो कितना अच्छा कलर आया है, ये नहीं है कि बिना टमाटर के कलर नहीं आएगा, अच्छी दिखने में नहीं लगेगी सब्जी, सब दिखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में भी स्वाद होगा, खट्टी भी होगी, सब कुछ होगा। तो यहाँ हम डाल लेते हैं 1 स्पून 1 चम्मच हमने लिया है कसूरी मेथी, इसको डाल लेंगे हम क्रश करके फ्रेंड्स इस तरह से, बस आधा मिनट इसको भी पका लेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए कसूरी मेथी का। और इसको चला देंगे और अब हम डाल देंगे इसमें फ्रेंड्स आलू और परवल एक साथ, और इसको भी बस अब 1 मिनट पकाना है क्योंकि सब्जी पहले से फ्राई की हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारी डन होने वाली है, बनने वाली है। ये देखो फ्रेंड्स हमारी कुछ हालत किस तरह से हो चुकी है, हम पसीने से पूरे भीग गए हैं वीडियो को शूट करने में, आज हमारे यहाँ फ्रेंड्स बहुत गर्मी है। तो ये देखो फ्रेंड्स सब्जी हमारी बन चुकी है, अब डाल देते हैं हरा धनिया। आलू परवल की सब्जी बन के हो चुकी है रेडी, ये देखो। फ्रेंड्स इसको इसकी प्लेट ये देखो, ये कहेगा इसमें टमाटर नहीं डले, बिना टमाटर की सब्जी बनी है, कितना बेहतरीन कलर आया है फ्रेंड्स आलू परवल की सब्जी में। आप भी इसी तरह बनाओ और खाओ पियो एंजॉय करो। शेयर करें, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।